नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आपका कुकृति ब्लॉग चैनल में। तो अभी बस हम ये तैयार हो चुके हैं फंक्शन में जाने के लिए, सयांश के फर्स्ट बर्थडे में। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये हम नानी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर सानवी के साथ में, और अभी जो है ड्राइविंग मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आशीष भाई ड्राइविंग कर रहे हैं, क्योंकि सुबह मैं काफ़ी थक गया था मतलब घर से यहाँ पर आने के लिए। तो आशीष भाई भी ड्राइव कर रहे हैं, तो बस काफ़ी मज़ा आने वाला है आज फंक्शन में पार्टी में। तो ये वैदिक बैठ गया फ्रंट सीट में, ये बताएगा रास्ता मामा जी को। मैं इसे कह रहा हूँ सीट बेल्ट पहन ले, तो मैं पीछे ड्रा बोल रहा हूँ सीट बेल्ट पहन ले भाई वैदिक। वैदिक सीट बेल्ट पहन लो बेटा, आगे वाला सीट बेल्ट पहनता है। नहीं नहीं, तो बस अब जो है हम बैठ जाते हैं। तो बस दोस्तों अभी हम यहाँ से घर से निकल चुके हैं और मेरी गोद में है वैदिक और मुझे देख रहा है वैदिक, और पीछे बैठे हुए हैं यहाँ पे साली साहिबा और सासू जी बेबी साहिबा, और यहाँ पे चला रहे हैं आशीष भाई गाड़ी। सासू जी को देखिए पीछे बैठी हुई है, इसके नाराज हो रही पीछे बैठ के, पीछे बैठ के नाराज हो रही क्योंकि सासू जी को आगे बैठना था। और ये सानवी जी के साथ में है, और वैदिक हमेशा जो है आगे रहता है क्योंकि वैदिक को मुझे लग रहा आगे मजा आता है बैठने में। तो बस अभी यहाँ से मतलब काफी ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है काफी बस आधे घंटे का रास्ता ही है, तो हाँ अगर जाम ना हो तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं फिर कैसे वहाँ पर कैसे वहाँ पहुंचते हैं, वहाँ जाके दिखाते हैं आपको। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जहाँ पर अरेंजमेंट है पार्टी का, और अभी हम निकल जा रहे हैं यहाँ से। तो देखते हैं, और बच्चे भी उठ गए हैं, वैसे तो बच्चों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया गाड़ी में हमें, और बिल्कुल सो रखे थे। तो अभी देखते हैं वहाँ क्या हम धमाल करने वाले हैं अभी, वहाँ पे हम कैसे एंजॉय करते हैं और बच्चे में कैसे एंजॉय करने भी देते हैं या नहीं, ये हंगामा करते हैं। ये देखो जैसी कार से उतरे दोनों बच्चों ने ऐसे आंख खोली पता नहीं, और देख रहे टुकुर टुकुर, ये अपने टाइम पे जो है सो जाते हैं और अपने टाइम पे आंखें खोल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर सयांश का बर्थडे है, और ये हैं सामने सयांश के पापा जिनका हैप्पी बर्थडे है। ओके ठीक। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने डेस्टिनेशन में इसी पहले से, ये मॉल के अंदर ही है, तो यहाँ पे हो रहा है पार्टी का अरेंजमेंट मतलब लग रही है, और डेकोरेशन तो बहुत अच्छी, डेकोरेशन काफी ज्यादा मतलब यहाँ पे काफी बहुत अच्छी लग रही है। बैलून्स देख के तो वैसे ही अंदर से एक अलग सी खुशी होती है जब बैलून्स जब दिखते हैं, और सयांश की फोटो भी लगा रखी है पीछे, एक यहाँ पे कुछ बैनर लगा रखा है जिसमें सयांश की सारी फोटोज है। तो अब वैदिक को पकड़ लिया वैदिक के पापा ने, और हम यहाँ से कर रहे हैं एंट्री। बहुत ही अच्छा व्यू है बाहर से भी, और हम यहाँ पे फोटो सेशन कर चुके हैं, बहुत ही अच्छी फोटोज आई हैं। तो अब हम जा रहे हैं अंदर, बलून्स। ये है बर्थडे बॉय, ये बर्थडे बॉय, ये रो रहा है, रो रहा है क्या? नहीं इसकी तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा, हाँ वैदिक तो यहाँ पर हमें आने के बाद भूल गया है, और बस सबके पास जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे अंदर से, काफ़ी अच्छा, और देखिए सामने ये बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा बना रखा है यहाँ पे सामने। तो ये हैं जेकी माँ, ये जिनका सयांश का बर्थडे है उनकी नानी, जिनका भी है, हाँ का भी है, बिल्कुल बिल्कुल तो आज तो बड़ा खुशी का दिन है, और जेठी माँ के चेहरे पे देखिए कितनी खुशी दिख रही है आप। हाँ, ये है हमारे ताऊ जी और ये जेठी माँ, ये सयांश का बर्थडे है उनके नाना। तो नाना नानी का देखिए आज आउटफिट कितना प्यारा लग रहा है, नानी जी चमक रही है, नानी जी
वैसे नानी फेल कर जेटी माँ फेल कर रही है ताऊ जी को. थैंक यू. नहीं मेरे जेठ बहुत सुंदर लग रहे हैं. अच्छा और अपनी बहन ये जल रही है. ये जल रही है. हाँ तो हिलने को तैयार नहीं है. वैदिक 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 अपनी सबसे बड़ी जेठी माँ के पास बैठा हुआ है. वैदिक खेलने में लगा पन्नी से. बस लो सानू मम्मी के साथ बैठा हुआ है और ये सबसे बड़ी जेठी माँ जो आपने रिसेंटली ब्लॉग देखा होगा उसमें मिले होंगे. और ये है मामी जी. ये वही मामी जी है जिनकी लड़की हमेशा हमारे घर में आपको दिख जाती होगी. वही. हाँ. और ये है सायांश की मम्मी. और ये लुक देखो सायांश की मम्मी का. आज बहुत अच्छा लग रहा है दीदी. बहुत सुंदर लग रहे हो. और ये देखो यहाँ पे खाने लग गए हैं. यार आपने पूछा भी नहीं मुझसे कैसे आया है. यम हो रहा है. वैदिक ने तो बड़ी साइकिलिंग करा दी थी यहाँ पे. वैदिक वैदिक कैसे लग रहा है बेटा. सायांश की वीडियो प्ले होने वाली है तो वो दिखाएंगे हम आपको. बहुत दिनों बाद मिले. इसमें मेरे को 15 दिन का फर्क है लेकिन बड़ी कौन है 15 दिन. नहीं
सिर्फ 15 दिन का फर्क है और देख सकते हैं तो बस दोस्तों इसी के साथ यहाँ से चलते हैं और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो बस यहाँ से अब हम निकल चुके हैं और आज तो यहाँ से घर की तरफ और बहुत ज़्यादा और मतलब मैं सीरियसली क्या बोलूँ अंजलि, मतलब बिल्कुल भी वैदिक ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया सच। सो गाइस ये रिटर्न गिफ्ट जो आया था एक बार हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं कि आखिर इसमें है क्या, कुछ फोटो होगी किसी भगवान की। हाँ रुको सबसे पूछते हैं क्योंकि दीदी साईं को बहुत मांगती है, साईं मुझे भी लग रहा है साईं बाबा हो सकते हैं। और बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात निकली है ना, साईं बाबा की फोटो हैं। हाँ देखा साईं बाबा की फोटो देखकर एक बात याद आई कि कल हम भंडारा करने जा रहे हैं, मतलब साईं जी का मंदिर है यहाँ पे। हमने पहले से प्लान किया था कि वैदिक के हो जाने के बाद हम भंडारा करेंगे। गुल्ली को प्यार करते हुए पहले उसका हाथ पकड़ेगा, उसके बाद उसका सर पकड़ेगा, अभी लपक रहा है तो गुल्ली की साइड जा रहा है। यही नट का कृष्ण जी है, यही नट का कृष्ण जी है, यही अदाएं सब कुछ। ये देखो मम्मी हटा था क्या, वैदिक कहाँ है ये? ये गुल्ली के पैर है ना, अभी लात मार देगी गुल्ली तेरे ते जोर से। सुमो पहलवान बुल्ली तेरे को लात मार देगी, देख 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 कहाँ चढ़ा बुल्ली के ऊपर है। चला दी तेरी चटरी छुटके बीच में नजर लगा दी तेरी।